हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोग हिंदी की वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, इसके लिए आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये चैप्टर आ गया है चैप्टर नंबर 11, नाम है नौबत खाने में इबादत। इससे पहले हमने मछली पढ़ा था, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, हमारी सारी वीडियोज़ को आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। जितना भी मैंने लेसन कराया है, वर्णिका वाली वीडियोज़ को तो बात ही छोड़ दो, एक ही वीडियोज़ पर 30-35 हज़ार क्रॉस हो गई सब पर व्यूज़, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे वीडियोज़ को देखते रहिए। चलिए, तो हमारा जो है नौबत खाने में इबादत, यह एक व्यक्ति चित्र है, यानी कि इसमें किसी खास व्यक्ति के बारे में बताया गया। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई निबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी एक व्यक्ति, पार्टिकुलर एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति पर ये बातें लिखी गई है। ये पूरे की पूरी जो हमारी व्यक्तिगत चित्र है, एक व्यक्ति पर है। तो नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां पर लिखी गई है, इसलिए यह एक व्यक्तिगत चित्र है। किस पर लिखी गई है बताओ? बिस्मिल्लाह खां पर। अभी उसके बारे में हम पूरा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। आपको पता है मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है, पहले हम पढ़ाते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय पूरा जब आप समझ लेते हैं, फिर मैं हम आपको पूरी जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो मैं समझाऊंगा। समझाने के बाद मैं फिर आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव बोल बोल के सिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं एक लिंक दूंगा जहाँ से जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर पाओगे, फिर एक लिंक दूंगा जहाँ से आप सब्जेक्टिव कर पाओगे। यानी तीन वीडियोज आपको देखनी है, ठीक है ना, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। आइए देखते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय, इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र है, कौन नहीं जानता इसको, है ना। यतीन्द्र मिश्र तो बहुत फेमस है। 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। दूसरा, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में इन्होंने MA किया है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से MA किया है, तो आंसर क्या मारते हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस क्षेत्र में MA किए हैं? तो आंसर मारिएगा हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में। अगला आता है कि यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या है? तो मूलतः यही कवि है, है ना। बहुत सारे जो है ना लेखक होते हैं, नाटककार होते हैं, निबंधकार होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, लेकिन ये मूलतः जो मेन है, ये मूलतः क्या है? एक कवि थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीन कविता संग्रह इसकी आपको मिलेगी। पहला का नाम है यदा कदा, दूसरा का नाम है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, और तीसरा का नाम है ड्योढ़ी पर अलाव। ड्योढ़ी पर अलाव इसकी तीन प्रमुख, इनकी तीन प्रमुख काव्य संग्रह यानी कविताओं का संग्रह है। पहला बताओ कौन सा है? तो यदा कदा। दूसरा कौन सा है? अयोध्या तथा अन्य कविताएं। तीसरा कौन सा है? ड्योढ़ी पर अलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक इन्होंने लिखा है। गिरिजा देवी एक फेमस, हम कह सकते हैं कि एक संगीत में फेमस थी वो, उस पर एक उन्होंने क्या लिखा है, एक एक उन्होंने देवी पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है गिरिजा। गिरिजा एग्जाम में पूछा जाएगा कि गिरिजा के लेखक कौन है, तो आंसर क्या मारिएगा? आंसर मारिएगा यतीन्द्र मिश्र। अगला है भारतीय कलाओं पर विमर्श की एक पुस्तक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है देवप्रिया। नाम क्या है? देवप्रिया। देवप्रिया में कुछ भी नहीं होता है, देवप्रिया में बस क्या होता है कि सोहन मानसिंह के साथ में लेखक का बातचीत होता है। किसके साथ में बताइए? सोहन मानसिंह के साथ में किसका बातचीत होता है? लेखक का। लेखक का मतलब यतीन्द्र मिश्र का। दोनों बैठकर बात करते हैं और बात करने में जो सार निकल के आता है, जो चीजें निकल के आती है, उसी एक पुस्तक में लिख देते हैं जिसका नाम रखते हैं देवप्रिया। नाम क्या रखते हैं? देवप्रिया। आगे बढ़ते हैं। विमला देवी फाउंडेशन का संचालन इन्होंने 1999 से कर रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कौन कर रहे हैं? आंसर बोलिए यतीन्द्र मिश्र। कब से कर रहे हैं? 1999 से। अरे अभी तो मरे नहीं है ना भाई साहब, 1970 में तो इसकी जन्म ही हुई है, तो ये तो अभी तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन किया है। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसकी ग्रंथावली का यतीन्द्र मिश्र ने सह संपादन किया है, तो आंसर मारेंगे द्विज देव की। अगला याद रखना है, देखो इसको पढ़ लेने से एक भी लेखक परिचय आपसे नहीं छूटेगा। अगला है कि सी है ना गीत गुलजार की कविता यार जुलाहे की भी संपादन किया है। एग्जाम में पूछा जाएगा गीत गुलजार की कविता का संपादन किसने किया है, तो ऑप्शन में खोज के मारिएगा, सी में रहेगा यतीन्द्र मिश्र। अगला है इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ध्यान से देखिए।
अब बहुत बच्चे पूछते हैं गुरुजी आपका आंसर सी क्यों रहता है, बस ये कहने के लिए हो जाता है, अधिकांश आंसर सी बोल देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं हमेशा सी होता है। पुरस्कार देखो कौन कौन सा मिला है, पुरस्कार की तो लाइन लगी है भाई साहब, क्या लगी गुरु जी, लाइन लगी है पुरस्कार को। पहला पुरस्कार देखो भूषण अग्रवाल पुरस्कार, दूसरा भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, तीसरा राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, चौथा रजा पुरस्कार, पांचवा हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, छठा ऋतु राज सम्मान, सातवां संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, आठवां नई दिल्ली और सराय, नौवां नई दिल्ली का फेडरेशन फिलोसफिक पुरस्कार, फिलोसफिक पुरस्कार। तो इसको टोटल 9 पुरस्कार मिले हैं, देख लीजिए 9 पुरस्कार, भाई साहब महान हो आप, कहाँ हो आप लेकिन महान हो, ठीक है ना, बहुत महान है ये। अब हमने लेखक परिचय को पूरा पढ़ लिया, अब देखते हैं कि इस व्यक्तिगत चित्र में, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जो कि बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में, देखते हैं कौन थे बिस्मिल्लाह खां और कैसे कैसे उन्होंने कारनामे किए थे जो आज भी इतने प्रसिद्ध हैं कि संगीत के क्षेत्र में उसको कोई भूल नहीं सकता, बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, आइए आइए अब हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, बिस्मिल्लाह खां के बारे में। इससे जुड़ी ये इतने पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, देखिए मेरा एक अलग अंदाज, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट्स को, ताकि आप लोगों को कहीं पर एक भी टॉपिक में भूल ना जाऊँ, तो सारे टॉपिक को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां को सब लोग जानते हैं, वो शहनाई वादक थे, पुपो, आप लोगों को पता है कि शहनाई वादक क्या होते हैं, जो शादी में शहनाई बजाते हैं, आपको पता होगा कभी शादी में अपने फिल्मों में देखा होगा कि शहनाई बजाते थे। तो पहला बात है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब उसकी शहनाई, यानी वो शहनाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जब वो 5 वक्त की नमाज करते थे, मुस्लिम थे, जब वो 5 वक्त की नमाज करते थे तो हर नमाज में, हर वक्त की नमाज में क्या करते थे, अल्लाह से मांगते थे, हे अल्लाह एक अच्छा सुर बख्श दे। सुर का मतलब होता है जो उसकी मतलब जो बोलने के बाद जो साउंड निकलता है ध्वनि, उसको एक अच्छा कर दे, बढ़िया कर दे। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, सुबह शाम जब भी आप लोग मन्नत करते होंगे माँ शारदे से, माँ सरस्वती से क्या कहते हैं, हे माँ विद्या दे, हे माँ मुझे वो शक्ति दे जिससे मैं अच्छा अंक प्राप्त कर सकूँ, जिससे मैं अच्छी ज्ञान की प्राप्ति कर सकूँ। तो उसी तरह से वो क्या करते थे, वो क्या करते थे कि अल्लाह से सुर की नेमत मांगते थे, सुर को मांगते थे। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था, उनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, आंसर बोलिएगा कमरुद्दीन उसका नाम था। और उनका जन्म जो है ना, उनका जन्म हुआ था डुमराव, कहाँ हुआ था डुमराव, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिएगा डुमराव, कहाँ पड़ता है, बिहार में, 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और उनके जो परिवार थे ना, वो संगीत प्रेमी थे, क्या थे, संगीत प्रेमी थे। 5-6 वर्ष वो मात्र बिहार में रहे डुमराव में, उसके बाद वो यूपी आ गए, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, काशी में उनके नाना जी का घर था, वहीं पर आ गए। और उनके नाना जी भी संगीत बजाते थे, तो जब उनके नाना जी वो शहनाई बजाते थे या फिर संगीत कुछ भी बजाते थे, तो वो छुप छुप के देखते थे कि नाना जी क्या कर रहे हैं ना, एकदम छुप छुप के ऐसे करके देखते थे कि नाना जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, बाद में जा करके जहाँ पर शहनाई रखता था, बहुत सारा शहनाई, 10-15 घर का सब लोग बजाते थे शहनाई, तो रखते थे, तो वहाँ जा करके नाना जी का शहनाई खोजते थे कि कौन सा नाना का शहनाई है, सोचते थे कि नाना की शहनाई में कुछ तो जादू वाली बात है, इतना बढ़िया ध्वनि कैसे निकलता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको पढ़ना है कि 5-6 वर्ष बिता कर वह काशी आ गए। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक थे, डुमराव जो है ना वो शहनाई के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का जो डुमराव है वो शहनाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आंसर मारिएगा रीड का प्रयोग होता है, ऑप्शन सही बोल रहे, रीड का प्रयोग होता है। रीड नरकट यानी एक प्रकार के घास से बनाई जाती है। बोला जाएगा एग्जाम में कि शहनाई किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आंसर मारिएगा नरकट के पौधे से, नरकट से रीड बनता है, रीड लगता है शहनाई में, जो डुमराव के आसपास जो कहाँ पाया जाता है, रीड कहाँ पाया जाता है, आंसर में मारिए डुमराव में, डुमराव के आसपास नदियों के कछार में, नदियों के कछार में पाया जाता है। इसके परदादा का नाम था सरार हुसैन खान, एग्जाम में पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, तो बोलिएगा सरार हुसैन खान, क्या बोलिएगा, सरार हुसैन खान। ठीक है, सरार हुसैन खान इसके परदादा के नाम थे, जो कि डुमराव के निवासी थे। एग्जाम में पूछा जाएगा सरार हुसैन खान कहाँ के निवासी थे, ऑप्शन बी में रहेगा, ठीक है ना, कह रहेगा डुमराव के निवासी थे, है ना। इन्होंने रसूलबाई और
बतुलन बाई से संगीत की प्रेरणा ली थी। दो बहन थी, एक का नाम था रसूल बाई, दूसरे का नाम था बतुलन बाई। वो रास्ते में मतलब घर पे गाती थी गाती थी। तो ये जो है ना, ये क्या नाम है इसका, ये जो बचपन में थे कमरुद्दीन, अरे बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम कमरुद्दीन। तो कमरुद्दीन ने उन्हें सुना था गाते हुए, तो उनको संगीत की प्रेरणा मिली। अभी आप लोग इस वीडियो को कम से कम एग्जाम तक में 50,000 लोग देखेंगे, तो 50,000 लोगों में से बहुत लोगों को कम से, है ना, मुझे देख करके कम से कम एक आध लोगों को तो मेरे ऐसा टीचर बनने की प्रेरणा आ जाएगी। चलो हम भी टीचर बनते हैं, मुझसे अच्छा बनोगे, अच्छा बनोगे तो बनने की प्रेरणा आ जाएगी। तो उसी तरह से रसूल बाई और बतुलन बाई को देख करके इसको प्रेरणा मिली थी संगीत की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहनाई को शास्त्रांगन सुशीर वाद्य कहा जाता है। सुशीर वाद्य उसको बोलते हैं, इसको फूक करके बजाया जाता है, ठीक है। तो सहनाई को शास्त्रांगन सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, तो खोज के मारिएगा कौन सहनाई को, ठीक है ना। आगे आता है कि अरब में सहनाई को नय बोला जाता है। अरब में सहनाई या फिर कोई भी ऐसा चीज जिसको फूक कर बजाते हैं उसको नय बोलते हैं। तो क्या सर सीटी भी नय कहलाएगा, सीटी नहीं जी, समझ गया ना। आगे सहनाई को सहने है, सौ में आकर हो नौ में आकर सहने है, अर्थात सुशीर वाद्यों में साह भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुशीर वाद्यों में साह किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन खोज के मारिएगा, क्या मारिएगा खोज के, सहनाई। आगे आइए, सहनाई के मंगल ध्वनि के नायक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है। एग्जाम में पूछा जाएगा सहनाई के मंगल ध्वनि के नायक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां नायक हैं। बिस्मिल्लाह खां को सहनाई बहुत अच्छे से बजाने आता है। अब सोच लो, एक इंसान को सहनाई बजाने के लिए अगर भारत रत्न पुरस्कार मिल जाए तो समझ सकते हैं वो कितना भयानक बजाता होगा। बहुत बढ़िया सहनाई बजाते हैं, ठीक है ना। आगे आता है, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, यही ये हमेशा क्या करते थे, जब भी इबादत करते थे, जब भी मतलब वो क्या कहते हैं नमाज पढ़ते थे, तो ये बार बार एक ही चीज मांगते थे, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मालिक, मुझे एक सुर बख्श दे। आगे बिस्मिल्लाह खां के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा है, इसका नाम है मुहर्रम। पहले बच्चों, मुहर्रम के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग मुस्लिम भाई हैं उनको तो पूरे अच्छे से पता होगा, हिंदू को भी पता होगा कि मुहर्रम क्या होता है। मुहर्रम जो है ना एक शौक का महीना होता है, एक दुख का महीना होता है, दुख का महीना होता है, क्योंकि मुहर्रम में हजरत इमाम एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाया जाता है। हजरत इमाम जो हैं और उनके कुछ वंशज जो थे उनके प्रति मुहर्रम में दुख मनाया जाता है, वो भी दस दिनों के लिए दुख मनाया जाता है। और आठवें दिन घर से बाहर निकल के मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम का जो भी शोक का दिन होता था उसमें बिस्मिल्लाह खां के परिवार का कोई भी सहनाई नहीं बजाता था। एग्जाम में पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खां के साथ कौन सा पर्व जुड़ा है, खोज के मारना मुहर्रम। मुहर्रम कैसा महीना होता है, ऑप्शन मारिएगा, मुहर्रम होता है शोक का महीना। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुहर्रम किसके, है ना, मुहर्रम में किसके लिए शोक मनाया जाता है, तो खोज के मारना हजरत इमाम और उसके कुछ वंशजों के प्रति, हजरत इमाम और उसके कुछ वंशजों के प्रति। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें आठवें दिन, कौन से दिन, आठवें दिन, दस दिन होते हैं, आठवें दिन घर से बाहर निकलते थे कौन, बिस्मिल्लाह खां, और ये बजाते थे। लेकिन मतलब उनका जो मतलब उसका जो लय होता था उसमें कुछ खुशहालीपन नहीं, बिल्कुल दुख प्रकट होता था उसकी लय में, और उसको वो बजा करके लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलते थे, 8 किलोमीटर लगभग पैदल चलते थे, और उनको सब लोग देखते थे। उस दिन पता चलता था कि इतने फेमस जिसको भारत रत्न मिला है वो भी रास्ते में पैदल चल करके बजाते थे सहनाई, ठीक है ना। तो वही कहता है ना, कितना भी आप सफल हो जाओ लाइफ में लेकिन जमीन को मत छोड़ना, जिस दिन जमीन को छोड़ोगे तो फिर आसमान में कोई जगह थोड़ी ना है, इसलिए जमीन से जुड़े रहो प्यारे बच्चों। कभी आप सफलता मिल जाए, कभी आप अच्छा कमा लो, कभी आपकी नौकरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, जमीन के साथ जुड़े रहो। अगर जमीन के साथ जुड़े नहीं रहोगे तो फिर आसमान में तो कोई जगह होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। पसंदीदा हीरोइन थी इसकी, नाम थी सुलोचना। हीरोइन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, नायिका होती है जो फिल्म में काम करती है। तो इसकी जो फिल्म आती थी, सुलोचना की जितनी भी फिल्म आती थी सबको देखने के लिए बिस्मिल्लाह खां जाते थे। 6 पैसे का टिकट होता था, 2 पैसे इसके मामा जी देते थे, 2 पैसे कभी इसकी नानी से या फिर घर में किसी से, और 2 पैसे मौसी से लेकर के 6 पैसे पूरा करके ये आते थे फिल्म का टिकट लेके देखने के लिए, जब ये नहीं कमाते थे तब, और जब ये कमाने लगे तो फिर अपना पैसे से जाते होंगे। तो इसकी जो पसंदीदा अभिनेत्री थी उसका नाम है सुलोचना, याद रखिएगा। इसके जो उस्ताद थे वो इसके मामा जी भी थे, यानी कि अली बख्श इसके उस्ताद भी थे और इसके मामा भी थे, तो इसको याद रखना है, इसके मामा का नाम अली बख्श था और उस्ताद भी थे।
काशी में संगीत का आयोजन की परंपरा है। बच्चों काशी की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो काशी बहुत फेमस है। आपको पता है कि यूपी का जो उत्तर प्रदेश का काशी है, वहाँ पर मरना भी मंगल होता है। अगर आप वहाँ गए घूमने के लिए और आपकी आपकी मृत्यु हो गई या मेरी मृत्यु हो गई, तो ये मंगल माना जाता है। चलो भाई साहब, काशी में इसकी मृत्यु हो गई। हिंदू धर्म में काशी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। नाम सुने हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, गुरु जी हम काशी का नाम सुने हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो काशी में हर वर्ष संगीत का आयोजन होता है। सर देव की नगरी, हाँ यही है, देव की नगरी, देवों की भूमि काशी, ठीक है। आगे आता है कि विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में, हाँ एक चीज याद रखना है कि ये जो थे ना, थे तो मुस्लिम पर हिंदू और मुस्लिम में कभी पक्ष नहीं करते थे। कभी हिंदू और मुस्लिम में इसको ये नहीं लगता था कि दो अलग चीज़ हैं, हमेशा ये दोनों को एक साथ बांध कर रखने का प्रयास करते थे। देखिए वो कितना इज्जत करते थे, है ना, विश्वनाथ और बालाजी मंदिर का। जब ये कभी भी काशी से बाहर जाते थे अपने अपने प्रोग्राम में, जब ये कोई प्रोग्राम करने के लिए काशी से बाहर जाते थे, तो जिस ओर बाबा, है ना, जिस ओर विश्वनाथ जी और बालाजी का मंदिर होता था, उस ओर घूम करके पहले सहनाई बजा लेते थे। मान के चलो कि मेरा यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मुझे पता है दिशा का थोड़ा सा ज्ञान है, और मैं चले गया कोई जिला घूमने के लिए, किसका नाम ले ले, चलो कोई जिला, मान के चलो कि हम चले गए समस्तीपुर घूमने के लिए, ठीक है, समस्तीपुर घूमने चले गए, तो वहाँ पर भी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे कोचिंग में आते तो माँ शारदे को प्रणाम करके तब हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें याद होगा, अगर मुझे अगर दिशा का नॉलेज है कि मेरा घर किधर पड़ता है, तो उस तरफ घूम करके, तो आराम से उस तरफ घूम करके पहले हम थोड़ी देर के लिए प्रणाम कर लेंगे आँख बंद करके, हे माँ शारदे, है ना, मुझे वो ज्ञान बख्श जिसको, है ना, जो मैं अपने बच्चों को ठीक से दे सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते थे, अगर कहीं भी जाते थे काशी से बाहर, तो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ओर दिशा घूम करके पहले थोड़ी देर सहनाई बजा लेते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, और ये हमेशा कहते थे क्या करें ये काशी छोड़कर, क्या करें इस, है ना, इस ये काशी छोड़कर, हमें सब कुछ तो काशी ने ही दिया है। आगे आता है कि काशी जो है ना संस्कृति की पाठशाला है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत की पाठशाला है, ऑप्शन खोज के मारिएगा, काशी, क्या मारिएगा, काशी। आगे आता है ना बिस्मिल्ला खां का मतलब उनकी सहनाई, बिस्मिल्ला खां का मतलब उनकी सहनाई। जैसे देखो अगर कोई व्यक्ति किसी काम में रम जाता है, तो उस काम का मतलब, है ना, उस ना, है ना, उस व्यक्ति से उस काम का नाम जुड़ जाता है। जैसे मान के चलो मैं पढ़ाता हूँ, या फिर कोई भी टीचर हैं, बहुत ज़्यादा अगर वो पढ़ाने के प्रति ही हैं तो उनका नाम पढ़ाई के साथ जुड़ जाता है। आप स्टूडेंट खूब पढ़ रहे हैं, तो आपको गाँव में पढ़ाकू लोग कहते हैं, अरे पढ़ाकू है, उसका मतलब पढ़ाई, उसका मतलब पढ़ाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार एक लड़की ने पूछ लिया कि आपको भारत रत्न मिल गया है और आप ये फटा धोती पहन के घूमते हैं, ठीक है। कई बार आप देखोगे गांव में जो लोग होते हैं ना, जैसे कि कोई भी लोग होता है, तो गांव में आप उसका जो रहन सहन होता है वो सिंपल होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिंपल होते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल होते हैं, आपको देख करके नहीं ले, कई बार हमको लोग नहीं पहचानते हैं कि आप, मतलब आप ही संजय सर हो या फिर आप ही पढ़ाते हो, लोग नहीं पहचान पाते, तो बिल्कुल सादगी होनी चाहिए। तो हम अपनी बात नहीं कर रहे यहाँ, तो बात कर रहे हैं किसकी, कर रहे हैं बिस्मिल्ला खां की। तो बिस्मिल्ला खां जो है ना एक बार धोती पहन के बैठे, तो एक लड़की ने बोला, अरे ये तो गलत बात है, आपको भारत रत्न पुरस्कार मिल गया है, उसके बाद ये फटा धोती पहन के रहते हैं, और जो भी बाहर से लोग मिलने आते हैं आप उसे फटा धोती में मिलते हो, आपको कम से कम धोती तो नया पहन लेना चाहिए या फिर कोई दूसरा कपड़ा पहन लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, धत पगली, क्या बोला, धत पगली, भारत रत्न पुरस्कार मुझे मिला है, मेरी धोती को थोड़ी ना, मेरी धोती को थोड़ी ना, अगर मैं साज बाज में रहता, अगर मैं शरीर को मतलब कि अगर मैं शरीर को ही सजाने में रहता, तो फिर रियाज कौन करता है। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस, गाने का, डांस करने का, उसको रियाज कहा जाता है। अगर हम लोग जो लिखते पढ़ते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, चलो, या फिर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं ऐसा हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, धत पगली भारत रत्न हमको मिला है, मेरी नुंगी को थोड़ी ना। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने कहा धत पगली भारत रत्न मुझे मिला है मेरी नुंगी को नहीं, तो आंसर खोज के मारिए, है ना, बिस्मिल्ला खान ने पूछेगा ये किस पार्ट का है, तो नौबत खाने में इबादत। आगे बढ़ते हैं, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खान एक दूसरे के पूरक थे। संगीत की धुन से जगती है काशी, एग्जाम में पूछा जाएगा संगीत की धुन से कौन सा शहर जगता है, आंसर मारिएगा खोज के, काशी जगता है। अगला है, काशी में मरना भी मंगल माना जाता है, काशी में मरना भी मंगल माना जाता है, और इसको दो पुरस्कार मिले हैं, और संगीत नाट्य पुरस्कार और पद्म विभूषण से नवाजा गया है। किसको, किसको, बिस्मिल्ला खां को, है ना, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है,
और संगीत नाट्य पुरस्कार से भी नवाजा गया है और भारत रत्न से। एग्जाम में पूछा है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न मिला है, खोज के मानिएगा, बिस्मिल्ला खान को, ठीक है ना। और देखिए है ना, सहनाई, सहनाई हो गया ना, सहनाई को मतलब समझ रहे, सहनाई का मतलब बिस्मिल्ला खान, बिस्मिल्ला खान का मतलब सहनाई, ठीक है ना। चलो और सर एक चीज़ और छूट गया है कि प्रवेश द्वार पर बजने वाली मंगल ध्वनि, ऐसा कुछ है, एक एक और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा पूरा चीज था बिस्मिल्ला खान के बारे में, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। मैं कहता हूँ कि इस चैप्टर का आप 99% क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, 99% क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्टिव पूछे है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ, डुमराव में कब हुआ, 1916 में, उनके परदादा का नाम क्या था, सलाल, है ना, क्या नाम था उसका, सलाल हुसैन, उसके परदादा के नाम थे, उन्होंने संगीत की प्रेरणा किससे ली, तो रसूल बाई और बदुलन रसूल बाई और अरे बदुलन बाई ऐसे कुछ था, मैंने स्पॉट आते रहो देख लेना, ठीक है ना। तो सुशील वाद्य यंत्रों में किसे जाना जाता है, तो सहनाई को, सहनाई किससे बनता है, तो रीढ़ से या फिर नरकट के पौधे से। नरकट का पौधा कहाँ पाया जाता है, तो डुमराव में पाया जाता है। वो डुमराव में कितने वर्ष रहे थे, तो बचपन के 5 से 6 वर्ष डुमराव में रहते थे, फिर कहाँ आ गए थे, काशी आ गए थे, है ना। तो कौन सहनाई की धुन पर जगता है, संगीत की धुन पर कौन जगता है, तो काशी जगता है। कहाँ मरना भी मंगल माना जाता है, काशी में मरना भी मंगल माना जाता है, ठीक है ना। अब इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, आप आराम से कीजिए, नीचे एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पहले ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दे दीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद एक लिंक होगा जिसमें सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जाके देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इस वीडियो को बनाने में पूरे मुझे लगे, मैं सुबह मॉर्निंग में इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा था, सुबह 5 बजे से मिला था, लगभग 7 बजे तक हुआ था, यानी कि ये 2 घंटे हमें रिकॉर्ड करने में इस वीडियो को लगा है, पूरा लिखने में रिकॉर्ड कर, तो मेरे मेरे बच्चों ने आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत किया है, तो आप सब लोग वीडियो को लाइक करना, जितने लोग देखोगे इस वीडियो को सब लोग लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करना, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने में, मन लगता है, या फिर लाइक नहीं मिलता सोते क्या मतलब बच्चे पसंद नहीं करते तो फिर ज़्यादा नहीं बनाते। आप लोग लाइक जरूर करना, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, और इसकी पहले वाली वीडियोज़ जो हमने 10 चैप्टर पढ़ाई है उसका भी लिंक नीचे है, संपूर्ण गोधूलिक के नाम से जाइए वहाँ पर पढ़ लीजिए, अगर आपको वर्णिका पढ़ना तो संपूर्ण वर्णिका के नाम से है, आपको हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे, इस बात का हम एक बार फिर से गारंटी लेते हैं। धन्यवाद, कुछ मिलता है वीडियो में, जय हिंद।